तो मुझे ये बताओ कि जैसे पता है हमें कि 2023 अब ख़त्म होने वाला है, पांच सबसे बेहतरीन चीज़ें जो सीखे हो तुम। पहला कि भाई ज़िंदगी में ना सबसे पहले जो आपको मिले ना कोई भी चीज़ उसको ले लो, ये मत देखो कि हमको इससे बेहतर कोई चीज़ मिलेगी तो उसका हम इंतजार करेंगे। पहला चीज़ ये है। यू मीन टू से दैट कि जो चीज़ें हमारे सामने आ रहा है उसको ग्रैब कर लो, मतलब अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है मत देखो छोटा है या बड़ा है भाई, बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। क्योंकि उसको ऐसे समझो भाई ना कि वो आपके सामने एक भगवान का दिया हुआ तोहफा आता है, गिफ्ट बोलते हैं ना कि पहला आहार। क्योंकि जब खाना खाते हो आप थाली में तो पहली बाइट लेते हो, कभी भी जब खाना स्टार्ट करो तो पहला बाइट लेना पड़ेगा भाई, तभी तो आखिरी लोगे, दूसरी लोगे, चौथी लोगे, मतलब स्टार्ट उसी टाइम पे कर दो जब आपको पहला मौका मिलता है। हर बड़े लक्ष्य की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ओके, दूसरा नेक्स्ट। दूसरा बात मैं ये बताऊंगा कि पेशेंस पहले थोड़ा कम था, मतलब उतना भी लोगों के पास नहीं होता है, वो भी मेरे लिए मतलब दूसरों के लिए ज़्यादा था, बट अब उससे और ज़्यादा हो गया है कि मतलब किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने अगर आती है तो उससे विचलित होने वाले नहीं हैं अब, मतलब क्योंकि हमारे अपने लाइफ का यानी अपने जीवन काल का ऐसा समझो कि ये जो 2023 है सबसे टफ समय रहा है, मुश्किल समय रहा है। दूसरा था ये, दूसरा मतलब पहला था कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आए छोटी बड़ी उसे मिस मत करो, दूसरा पेशेंस बहुत जरूरी है लाइफ में और पेशेंस का टेस्ट काफ़ी हुआ है 2023 में। ओके नेक्स्ट। और तीसरा, हमने जो भी स्टार्टअप किया था तो हमें ये स्टार्टअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है, वो स्टार्टअप में लेबर वाला काम नहीं बोलेंगे भाई हम, थोड़ा सा वो लो लेवल का हो जाएगा, मतलब कि कोई काम छोटा नहीं होता है कि, हाँ कि लेबर यूज हम लोग नहीं कर पाए ढंग से, मतलब तो उस चीज़ को सीखे, मैनेजमेंट सीखे, बहुत सारा चीज़। और 2023 जो है ना, जो फिर वही बात जो अपने जीवन काल में जितना हम 23 साल के नहीं सीखे हैं वो हमें 2023 सिखाया है, ये सब सारी चीज़ों की वजह से। मतलब यू मीन टू से दैट मैनेजमेंट सीखा मैंने, तीसरा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में सब कुछ आ जाएगा, टाइम मैनेजमेंट भी, एवरीथिंग। चलो मैनेजमेंट कैसे करना है चीज़ों को, कोई स्टार्टअप का या फिर कहीं भी रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं घर से बाहर, तो कैसे मैनेज करना है। ओके नेक्स्ट। फोर्थ, चौथा चीज़ की पहले चीज़ तो आप ये सीखो कि ये हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बोलना गलत होगा कि आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, तो ये तो बोल सकते हैं भाई, नहीं मतलब थोड़ा सा जो हमारे समाज में अस्पृश्यता का भाव आ जाएगा थोड़ा सा, अनटचेबिलिटी यू मीन टू से दैट, कि इस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि ये बोलेंगे कि भाई आप किसी ब्लाइंड विश्वास मत करो, तो ये समाज चल कैसे रहा है, हमारे पे सवाल उठ सकते हैं भाई, ट्रोल हो सकते हैं हम, तो ये चीज़ है। तो मतलब इट्स ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, वैरी करता है, मतलब विश्वास ज़रूरी है, लेकिन आप अगर किसी पर विश्वास करते हैं भाई तो हमेशा आँख कान नाक समझ रहे हो अपने जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं ना उसको हमेशा खुला रखो। एग्जैक्टली। और ध्यान रखो कि मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग लाइफ के लिए भी, करियर के लिए भी, आपके लिए, आपके जो पेशेंस हैं, आपके बिहेवियर हैं, उस चीज़ से ये सारी चीज़ों का बदलाव आ सकता है उस वजह से। तो चौथा इनका पॉइंट है डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली ना। एक मैंने देखा है स्कैम 1992 करके एक वेब सीरीज है, उसमें एक लाइन है कि ट्रस्ट इज अ वेरी प्रीसियस थिंग, चीप पीपल कांट अफोर्ड। एक हमारा मित्र और जुड़ गए, उनसे भी मैं पूछूंगा। ओके लास्ट पांचवा, नाम क्या है मेरा? मैं सर संदीप कुमार, चलो हमारे ही कॉलेज से भाई, जूनियर है अभी, 4 साल जूनियर है मतलब, तो छोटा भाई है। पांचवा जवाब ये है कि देखो लोग बोलते हैं कि आप जो भी सीखते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग जो आज का युवा है खासतौर पर जेन जी अभी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो भी युवा जेन जी के बारे में बता दूं, जिनका जन्म 1995 के बाद और 2014 से पहले हुआ है उनको जेड जनरेशन बोला जाता है। 1995 से जितने भी पहले जैसे हमारे पिताजी वगैरह वगैरह वो सब लोग हैं मिलेनियल्स, ठीक है, और अभी अल्फा जनरेशन 2014 के बाद आएंगे, लेकिन हम सब अभी जेड जनरेशन वाले हैं। ओके जेन जी, तो कहाँ बात कर रहे थे? जेन जी को लेकर, हाँ कि जो भी चीज़ सीखने को मिलती है वो किताब से मिलती हैं, किताब पढ़ो, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, वहाँ से चीज़ें सीखो, लेकिन भाई
जो इंसान जब उस चीज़ को लेकर अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उतरता है ना, उससे वो सारी चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको किताबी ज्ञान या कोरा ज्ञान आपको शिक्षा नहीं देगा। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि हम बोल दें कि तुम हाथ पैर मार लो, तैरना सीख जाओगे। लोग यही करते हैं ना, हाथ पैर चलाते हैं और तैरना सीख जाते हैं, तैरने लगते हैं। तो क्या जो इंसान तैरना नहीं जानता है, डायरेक्टली अगर उसको कहीं समुद्र में या तालाब में फेंक दें, बोले तुम तैर लो, हाथ ही पैर तो मारना है, वो तैरेगा नहीं, डूब जाएगा। एग्जैक्टली, तुम्हारा मेरा कहने का सेंस यही है भाई कि किताबी ज्ञान वही है भाई, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपके विचार पे, आपके समाज पे, आपके परिवेश में किताब उतना प्रभाव नहीं डालता है। किताब सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए होता है, आप उससे सीखते हैं जो आपके आसपास चीज़ें घटती हैं, आपके परिवेश में जो होता है, आप जो काम कर रहे हैं, ठोकरें लगती हैं, गिरते हैं, उठते हैं, चलना सीखते हैं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप जब भी अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करें, पढ़ाई लिखाई करने की कोशिश करें, तो आप सिर्फ किताबी ज्ञान ना सीखें, व्यवहारिक ज्ञान भी सीखें, समाज को देखें, समाज में क्या चल रहा है। ये मेरा पाँचवा चीज़ था। पाँचवा मतलब इनके कहने का मतलब है कि आप सब चीज़ों से सीख सकते हो, और ज़्यादातर कोशिश करो कि जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये नहीं कि बुक से या स्कूल से कॉलेज से जो सीख रहा है वहीं सीखना है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं, मेट्रो में, बाज़ार में, शॉप पर, रूम में, फैमिली में, उन सब से आप सीख सकते हो। थैंक यू सो मच, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। चलिए, जय हिंद।